वेलकम बैक टू शिक्षार्थ। अपने इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके लैब असिस्टेंट के लिए, आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स के लिए, रेलवेज और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, आयनिक साम्य क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे अम्ल क्षार साम्य। दोस्तों इसमें हम ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी, उसके अलावा लुईस बेसेस और आरएनएस थ्योरी, इन सबको हम पढ़ेंगे। दोस्तों एसिड बेस इक्विलिब्रियम में पीएच मान के बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे दोस्तों, और कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव की डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम जानेंगे बफर विलयन के बारे में और अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन, पूरा सिलेबस है दोस्तों, हमारी पूरी यूनिट हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य होते क्या है। तो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में था, उसमें हमने साम्य को इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि साम्य क्या होता है। हमने देखा था कि जब अग्र अभिक्रिया और प्रतिप अभिक्रिया, दैट मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, इनकी दरें इक्वल हो जाती है, इनकी स्पीड इक्वल हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं, हम उसे स्पेस को साम्य बोलते हैं। तो अगर दोस्तों ये साम्य विलयन में स्थापित हो और विलयन में आयनों के मध्य, किसके मध्य दोस्तों, आयनों के मध्य अगर ये साम्य स्थापित हो तो इसे हम बोल देंगे आयनिक साम्य। इसलिए हमने आयनिक साम्य क्या होता है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आयनिक साम्य में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हम देख लेते हैं, विद्युत अपघट और आयरन की मात्रा। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉट है और हमारे पास इस पॉट में दोस्तों क्या है, पानी है, वॉटर हमारे पास इस पॉट में है। अगर हम इस वाटर में दोस्तों ऐड कर दें शुगर, अगर हम शुगर ऐड कर दें तो ये विद्युत का चालन दोस्तों नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस पॉट में दोस्तों ऐड कर दें NaCl, सॉल्ट हम इसमें ऐड कर दें तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत का ये चालन करेगा दोस्तों। इससे ऐसे पदार्थ, ऐसे इनको हम जो इन्हें विलयन में ऐड करने पर विद्युत का प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होती है, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं हम, विद्युत अपघट्य। और जिन पदार्थों को विलयन में ऐड करने पर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, चालक नहीं होते हैं, ये उन्हें हम बोलते हैं अनअपघट्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनअपघट्य। देख लिया हमने विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य के बारे में। अब देखते हैं हम आयनन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, और हम लेते हैं दोस्तों एसिटिक एसिड। क्या ले लेते हैं हम दोस्तों, एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं। तो अगर हम इन्हें दोनों को वाटर में ऐड करते हैं तो हम पाते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो ब्रेकेज है, इसका आयन पूरी तरीके से हो जाता है, 100% आयनन हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, जबकि एसिटिक एसिड का ओनली 5% आयनन होता है। तो दोस्तों इसे ही हम आयनन की मात्रा बोलते हैं कि कितना परसेंट ब्रेकेज हुआ, और इसी अकॉर्डिंग हम कह पाते हैं कि कोई भी विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य है अथवा दुर्बल विद्युत अपघट्य। जिसका आयनन अधिक होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, और जिसका आयनन कम होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्य। इस प्रकार से दोस्तों ये डिपेंड करता है, इसके लिए एक नियम होता है जिसे हम ओस्टवर्ड अनुता का नियम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आयनन की मात्रा समानुपाती होती है तनुता के वर्गमूल के, किसके, तनुता के वर्गमूल के। अभी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वर्गमूल की ये दोस्तों 1/2 है पावर, ओके। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, आयनन की मात्रा होती है 1/ सांद्रता के वर्गमूल के। तनुता और सांद्रता एक दूसरे के अपोजिट होती है दोस्तों, तो इसीलिए तनुता के वर्गमूल के या फिर सांद्रता के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनन की मात्रा। दोस्तों अब हम देख रहे थे कि आयनन की मात्रा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से इनमें से कारक है। चार ऑप्शन दे दिए कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन तनुता को, सॉरी आयनन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों तनुता, जैसा कि हमने देखा तनुता पे तो सीधा सीधा डिपेंड ही कर रहा था ये, तो सांद्रता भी प्रभावित करेगी, तो तनुता और सांद्रता के रहने की बात ही नहीं है। तनुता प्रभावित करती है, टेम्परेचर प्रभावित करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य प्रबल अपघट्य है या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये प्रभावित करेगा, और विलायक की प्रकृति की हम कौन सा विलायक यूज कर रहे हैं, ये
ये चारों चीजें आयन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। दोस्तों हमने देखा, अब हम आगे पढ़ते हैं अम्ल क्षार सामिक की अवधारणा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम के हम बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों एसिड और बेसिस को हम जानते हैं, एसिड एंड बेसिस। एसिड जिनका पीएच मापन 7 से कम होता है और बेसिस जिनका जो पीएच मापन होता है वो 7 से अधिक होता है। ये 7 से कम होते हैं और ये 7 से अधिक होते हैं। दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, आप याद रखिएगा। और बेसिस क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। दोस्तों एसिड की हम बात करें तो ये नीले लिटमस को कर देते हैं लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? लाल कर देते। जबकि जो बेस होते हैं क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को कौन सा कलर दे देते हैं? नीला कलर देते हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिपीट होता रहता है। ऐसे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और बेसिस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पीएच हमने बता दी, पीएच के बारे में हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं क्षार वो स्पर्श में साबुनी होते हैं, साबुन जैसा इनका स्पर्श होता है। तो ये हमारे एसिड और बेसिस हो गए। तो किसी भी पदार्थ को हम इन बेसिस पे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ये एसिड है कि बेसिस है। लेकिन इस अकॉर्डिंग दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है कि ये एसिड है कि बेसिस। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आरहेनियस की अवधारणा के बारे में। साइंटिस्ट आरहेनियस के अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। तथा जो OH- देते हैं, इसके जस्ट अपोजिट जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों क्षार बोलते हैं। उदाहरण से हम इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास में HCl, अभी हमें पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है। अगर हम इसे वाटर में इसको मिलाएंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन H+ आयन और हमें साथ में क्लोराइड आयन हमें प्राप्त होगा। दोस्तों H+ आयन दिया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? एसिड। तो हम कह सकते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड इस बेसिस पे है क्योंकि ये वाटर में H+ आयन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। अगर दोस्तों हम NaOH की एग्जांपल ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे सामने है, अगर इसके हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम प्लस आयन और OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्राप्त होता है। तो इस बेसिस पे हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों ये एक बेस है, दैट मींस कि एक क्षार है, क्योंकि आरहेनियस ने बोला था जो जल में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें हम बोलेंगे एसिड, और जो हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें हम बोलेंगे दोस्तों बेसिस, क्षार। दोस्तों अम्ल और क्षार मिलकर के, एसिड और बेसिस मिलकर के जो रिएक्शन करके हमें उत्पाद देते हैं उसे हम बोलते हैं लवण या फिर सॉल्ट हम इसे बोलते हैं दोस्तों। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीकरण की अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही रहता है कि अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण बनाते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, HA ये हमारे पास में कोई एसिड है, BOH ये हमारे पास में कोई क्षार है, बेस है। रिएक्शन में दोस्तों तो हमें मिला BA, ये एक सॉल्ट है, लवण हमें प्राप्त हुआ और साथ में हमें वाटर प्राप्त हुआ, क्योंकि HA एसिड का H+ आयन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर के बनाता है दोस्तों वाटर बनाता है। तो हमने आरहेनियस की अवधारणा देख ली। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा। ये साइंटिस्ट ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा था अम्ल और क्षार के बारे में? दोस्तों इनकी जो अवधारणा है उसे हम प्रोटोन दाता ग्राही अवधारणा भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटोन देने वाले और प्रोटोन लेने वाले। तो इनके अकॉर्डिंग अम्ल एसिड वो पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन दे रहे उन्हें क्या बोल रहे दोस्तों? एसिड बोल रहे। फॉर एग्जांपल HA कोई एसिड है हमारे पास में, अगर हम इसको विलयन में हम इसे रखेंगे तो हमें H+ प्राप्त होगा और A- प्राप्त होगा, हमें प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों? एसिड बोल देंगे। और अगर वे पदार्थ जिन्हें हम क्षार बोलेंगे, किन्हें बोलेंगे? जो प्रोटॉन ग्रहण करते, फॉर एग्जांपल A- है, अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएं H+ से, प्रोटॉन ये ग्रहण करके HA बन रहा है, तो जिसने प्रोटॉन ग्रहण किया हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, प्रोटॉन जिसने ग्रहण किया वो हो जाएगा क्षार, और जिसने प्रोटॉन रिलीज किया वो हो जाएंगे दोस्तों अम्ल। अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटॉन अगर रिलीज कर रहे तो अम्ल और अगर गेन कर रहे तो क्षार। दोस्तों ये इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार भी हमें प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से? इसे दोस्तों हम एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है NH3।
अमोनिया, ये एक्वस है दोस्तों, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर से जो कि एक लिक्विड है। हमें प्राप्त हो रहा है NH4 इन एक्वस स्टेट और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि NH3 है अमोनिया, अमोनिया ने एक H+ गेन किया है दोस्तों, और गेन करके हमें प्राप्त हुआ है NH4। तो प्रोटोन गेन किया है, तो गेन करके दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हम इसे बोल देंगे क्षार बोल देंगे। और वाटर ने दोस्तों यहाँ पर की प्रोटोन रिलीज किया है, H+ आयन रिलीज किया है और OH- हमें मिला है, तो रिलीज किया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्ल की तरह बिहेव करेगा हमारे पास में। अब दोस्तों हम क्या वो देख पा रहे कि जो क्षार होता है, क्षार का बाद में H+ आयन गेन करके जो हमें यौगिक मिलता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों संयुग्मी अम्ल। क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। और अम्ल से H+ आयन रिमूव होके, दैट मींस कि प्रोटोन रिमूव हो करके जो हमें मिल रहा है उसे हम बोलेंगे दोस्तों संयुग्मी क्षार बोलेंगे हम इसे। तो क्या अंतर हुआ संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में, कि क्षार से जो हमें प्रोटोन मिलने के बाद, प्रोटोन ऐड होने के बाद में जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं संयुग्मी अम्ल, और अम्ल से प्रोटोन निकलने के बाद में जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं संयुग्मी क्षार। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एग्जांपल्स देख लेते हैं। संयुग्मी क्षार क्या होता है? संयुग्मी क्षार होता है दोस्तों अम्ल से जो क्षार प्राप्त होता है, जो हमने यहाँ पर देखा था, और संयुग्मी अम्ल क्या होता है? क्षार से जो अम्ल प्राप्त होता है। दोनों की एग्जाम्पल दोस्तों हम देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे सामने HCl, ब्रेक करके H+ और Cl- में टूट जाता है। तो HCl एक एसिड था और ये ब्रेक होकर के प्रोटोन रिलीज कर करके क्या बना? Cl- बना। तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल सार युग्म, क्योंकि ये अम्ल था, ये इसका संयुग्मी क्षार हो गया, तो ये इसे हम बोल देंगे संयुग्मी एसिड बेस युग्म। समझ गए दोस्तों हम अच्छे से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार रिएक्शन करके अम्ल एवं क्षार ही बनाते हैं। वहां पर हमने क्या देखा था, अम्ल और क्षार रिएक्शन कर करके लवण और जल बना रहे थे, जबकि ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार एसिड और बेसिस मिलकर के एसिड और बेसिस ही मिल बनाते हैं, क्योंकि ये जो अम्ल है फर्स्ट अम्ल इसका बन जाएगा दोस्तों फर्स्ट संयुग्मी क्षार, और जो सेकेंड क्षार है बेस है ये दोस्तों बना लेगा संयुग्मी अम्ल। विलायक के प्रकार दोस्तों हम देख लेते हैं, ब्रांस्टेड लोरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग चार प्रकार के विलायक पाए जाते हैं, प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन दाता, उभय प्रोटिक और एप्रोटिक विलायक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोटोन ग्राही विलायक के बारे में, जिन्हें हम बेसिक भी बोलते हैं दोस्तों। वे विलायक जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं, कोई विलायक है दोस्तों अगर ये प्रोटोन ग्रहण कर रहा है तो इसे हम प्रोटोन ग्राही या फिर क्षारीय विलायक कहते हैं। इसके लिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो सकता है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया दोस्तों इसी में आता है। इसके अलावा पिरिडीन दोस्तों इसी में आता है, पिरिडीन। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन, एमीन, ये सभी इसी में आते हैं प्रोटोन ग्राही विलायक में। प्रोटोन दाता विलायक दोस्तों जो प्रोटोन रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्लीय या फिर प्रोटोन दाता विलायक। दोस्तों इसमें आते हैं सारे एसिड जैसे कि H2SO4, HF, इसके अलावा दोस्तों HCN, ये सभी इसी में आते हैं जो प्रोटोन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। उभय प्रोटिक विलायक दोस्तों वो होते हैं जो प्रोटोन गेन भी कर सकते हैं और प्रोटोन रिलीज भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर अगर इसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये बेस की तरह रिएक्शन करता है और प्रोटोन ग्रहण करता है, और अगर वाटर से वीक एसिड होता है तो जो वाटर है वो एसिड की तरह रिएक्शन करता है और प्रोटोन रिलीज करता है, तो इसीलिए हम वाटर को उभय प्रोटिक विलायक बोल सकते हैं। एप्रोटिक विलायक दोस्तों वो विलायक होते हैं जो ना तो प्रोटोन ग्रहण करते हैं और ना ही प्रोटोन दान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम बोल सकते हैं C6H6 एंजिन एक एप्रोटिक विलायक है, CHCl3 भी दोस्तों, क्लोरोफॉर्म भी एक एप्रोटिक विलायक है, क्योंकि ना तो ये ग्रहण करते हैं प्रोटोन ना ही ये रिलीज करते हैं। दोस्तों इस थ्योरी की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये अवधारणा विलायक पे डिपेंड करती है, विलायक पर निर्भर करती है कि विलायक का प्रकार कैसा है, और इसकी सहायता से एप्रोटोनिक यौगिकों की प्रकृति की संभावना नहीं है। हम जिसके बारे में पता करना चाह रहे हैं वो यौगिक और विलायक, अगर विलायक एप्रोटोनिक है
तो भी हम पता नहीं कर सकते हैं उस यौगिक के बारे में कि वो अम्ल है क्षार है, या फिर जो यौगिक जिसके बारे में हम पता करना चाह रहे हैं वो एप्रोटोनिक है तो भी हम पता नहीं कर सकते कि वो अम्ल है या क्षार है। ये इस अवधारणा की सीमाएं हैं, लिमिटेशन से। आगे दोस्तों हम देखते हैं लुईस अवधारणा, कि लुईस ने किस प्रकार से डिफाइन किया एसिड और बेसिस को। इसके अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसकी जो अवधारणा है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। अक्षार बेसिस वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं अम्ल, अकॉर्डिंग टू लुईस। दोस्तों आरेनियस से, आरेनियस की थ्योरी से हम BF3 के बारे में हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेसिस है, क्योंकि इसके पास ना प्रोटॉन है नहीं। तो इस प्रकार के यौगिकों की प्रकृति का पता करने के लिए हम लुईस अवधारणा का उपयोग करते हैं जिनके पास में प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार, लुईस अम्ल और लुईस क्षार मिलकर के बनाते हैं उपसह संयोजक बंध युक्त यौगिक। के प्रकार दोस्तों हम देख लेते हैं, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, जिसका जिनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। ये यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और ये लुईस अम्ल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, AlCl3, FeCl3 etc. इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। दूसरे दोस्तों वो होते हैं वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक होते हैं। अगर रिक्त डी कक्षक होते हैं तो वो भी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पी ब्लॉक के तत्व जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, जैसे कि SiX4, PX3, TiX4, ये सभी भी लुईस अम्ल में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांजिशन मेटल या फिर उनके आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक होते हैं। ट्रांजिशन मेटल या फिर उनके आयन्स इनमें भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, जैसे कि निकल, आयरन, कॉपर, ये सभी भी लुईस अम्ल में आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देख सकते हैं वे तत्व जिनमें बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ डेफिनेटली, तो ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर। नेक्स्ट दोस्तों हम देख पा रहे हैं वे अणु जिनमें भिन्न परमाणु के मध्य बहुबंध अणु होते हैं उन्हें भी हम लुईस अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि CO2, SO2, ये सभी। दोस्तों हमने इसे इतना डिटेल में इसलिए देखा क्योंकि आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आ गया कि आयरन किस प्रकार का यौगिक है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आयरन तो मेटल है ना, तो ये अम्लीय ना क्षारीय, कोई समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको लुईस अवधारणा पता होगी तो आप याद कर पाएंगे कि आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसमें रिक्त कक्षक अवेलेबल होंगे, तो ये एक लुईस अम्ल होगा। तो इसीलिए हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा था कि हम एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कर पाए। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है। दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अम्लता के, एसिडिटी के, दैट मींस कि कितना एसिडिक है ये, कितना प्रबल एसिड है। जितना अधिक अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी उतना ही प्रबल अम्ल होगा कोई भी अम्ल। और जो आकार होता है दोस्तों किसी भी यौगिक का आकार उसी तत्व का, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अम्लता के, दैट मींस कि जितना अधिक आकार होगा, जितना बड़ा आकार होगा वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा, और जितना छोटा आकार होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। तो सर लुईस क्षार के बारे में हम देखते हैं बेसिस के बारे में, वे अणु या फिर आयन जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, दैट मींस कि जिनमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, लोन पेयर पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लुईस क्षार हमें बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर आपको लोन पेयर मिल जाए जैसे कि NH3, तो आप देखते ही उन्हें बेसिस बोल सकते हैं कि ये लुईस बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल ऋणायन जैसे कि F- Cl- Br-, ये सभी लुईस क्षार में आएंगे, और उदासीन अणु जैसे कि NH3, RN3, और हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता ही रहता है, तो किसी की पर्टिकुलर पीएच पूछ लेगा, लाइक ब्लड की पीएच कितनी होती है, यूरिन की कितनी होती है, या फिर पूछ लेगा कि एसिड की पीएच कितनी होती है, बेसिस की कितनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इजी क्वेश्चन आता है इससे, सबसे इंपॉर्टेंट आता, अच्छी बात है कि इससे इजी क्वेश्चन आता है। जैसे हम देख लेते एक बार, खोज की थी दोस्तों सोरेनसन ने, किसने की थी? सोरेनसन ने। विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के लघु गुणकीय, लघु गुणकीय दोस्तों ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। थोड़ा टिपिकल सी लैंग्वेज लग रही है, आप इसे एकदम इजी वे में यहाँ पर देख पा रहे हैं। पीएच इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ पे ऋणात्मक लिखा था इसलिए माइनस लोग एच प्लस, एच प्लस को हमने इस बॉक्स में लिखा था, मीन्स की इसकी कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है एच प्लस आयनों की को। इसे हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, पीएच इक्वल टू लोग वन अपॉन एच प्लस की कंसेंट्रेशन, या फिर एच प्लस इक्वल टू टेन की पावर माइनस पीएच, क्योंकि जब हम लोग को टेन की पावर में लेके जाते हैं तो इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हम मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ते हैं। अगर हम प्योर वाटर में दोस्तों हम देखें, शुद्ध जल में जिसकी पीएच क्या होती है 7 होती है, ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ पाई जाती है। और पीएच प्योर वाटर की कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है, तो 7 दैट मींस की न्यूट्रल। अब अगर हम 7 से अप जाएंगे 14 तक, अप टू 14, तो ये हो जाएंगे दोस्तों क्षार, दैट मींस की बेस हो जाएंगे। अगर हम नीचे जाएंगे 1 तक तो ये दोस्तों हो जाएंगे एसिड, जैसे कि अम्ल हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमारी बॉडी में जठर रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, और वो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे बायो के लेक्चर में हमने इसे अच्छे से डिटेल में कवर किया है। दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पीएच देख लेते हैं, उससे पहले एक बार हम हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में और इसको रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता के लघुगणक ऋणात्मक मान को पीओएच कहते हैं। ये भी आ जाता है दोस्तों कभी कभी, सेम वही, आप इतनी टिपिकल लैंग्वेज में मत जाइए, एक बार इसको न्यूमेरिक फॉर्म में देखिए, न्यूमेरिक फॉर्म में बहुत ही ईजी है। POH equals to minus logarithm of OH की concentration, OH minus ion की concentration. अम्लीय विलयन में दोस्तों अगर हम लिखें, तो अम्लीय विलयन में हमने देखा था pH less than 7 होता है और POH greater than 7 हो जाएगा, क्योंकि POH जो है दोस्तों वो जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट रिवर्सिबल है pH का। इसलिए जब pH less than 7 होगा तो डेफिनेटली जो pOH है वो greater than 7 हो जाएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में दोस्तों हम देखें तो pH है वो greater than 7 हो जाएगा, तो pOH डेफिनेटली less than 7 हो जाएगा। और न्यूट्रल में दोस्तों दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, एकदम pH और pOH दोनों 7 के इक्वल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट pH, जैसे कि वाटर एकदम शुद्ध जल हो इसका pH होता है 7, समुद्री जल ये बेसिक होते हैं दोस्तों इसलिए इसका पीएच होता है 8.5 लगभग। अम्लीय वर्षा, अब नाम से लग रहा है कि एसिड रेन है, एसिड रेन का जो जल होता है उसका पीएच दोस्तों स्लाइटली एसिडिक होता है 5.6, काफी एसिडिक होता है दोस्तों। ब्लड, ब्लड हमारा स्लाइटली बेसिक होता है इसलिए इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता रहता है बार बार, रिपीट होता रहता है ब्लड का। इसके अलावा दोस्तों यूरिन का बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये दोनों, तो इनका पीएच कितना होता है तो 7.4, अगर 7.36 से 7.42 की रेंज में कोई भी डिजिट आए तो आप आंसर कर सकते हैं। आंसुओं का दोस्तों ये भी बेसिक होते हैं, 7.3 लगभग होता है। लार जो हमारे मुंह में पाई जाती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, उसका जो पीएच होता है वो होता है 6.8। मिल्क का दोस्तों, मिल्क भी स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.3 से 6.6 के लगभग पीएच पाया जाता है। यूरिन दोस्तों एसिडिक होता है, इसका भी जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। एल्कोहल दोस्तों, एल्कोहल तो डेफिनेटली एसिडिक होता ही है, तो इसका पीएच होता है 2.8 के लगभग होता है। सिरका का दोस्तों 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है, ये सब अच्छे एसिड होते हैं। और जो आमाशय रस जिसके बारे में भी हमने देखा था, जठर रस, उसका जो पीएच होता है दोस्तों वो भी 2.0 होता है, ये सब एसिडिक होते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और दोस्तों ये सभी क्षार होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इजी है दोस्तों, तो हमें ये नंबर तो कैच करने ही करने हैं। आगे हम देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, सम आयन प्रभाव। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में उनके आयनों में से, आप नोटिस कीजिएगा, उनके आयनों में से एक आयन युक्त आयनिक यौगिक मिलाने से आयन की मात्रा में पर्याप्त कमी आ जाती है, आयनन की मात्रा में पर्याप्त कमी आ जाती है, और यह प्रभाव ही समायन इफेक्ट कहलाता है। लैंग्वेज का मत जाइए, एक बार सीधे से एग्जांपल से देख लीजिए, बहुत इजी सी चीज है। ये कोई विलयन है, ये कोई सॉल्यूशन है दोस्तों, मान लेते हैं कि हम इसमें NH4OH है, ओके NH4OH इस सॉल्यूशन में। अब इसमें कौन कौन से आयन हो जाएंगे दोस्तों? NH4 प्लस आयन हो गए और OH माइनस आयन हो गए, ये आयन इसमें पाए जाएंगे। तो अगर अब हम इसमें कोई एक
ऐसा यौगिक मिलाए जिसमें या तो ये आयन प्रेजेंट हो या फिर ये आयन प्रेजेंट हो। जैसे कि हम इसमें मिला दे दोस्तों NH4Cl मिला दे, NH4 हमने Cl इसमें मिला दिया, तो यहाँ पे NH4 इसमें प्रेजेंट है, NH4 प्लस यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो कॉमन आयन हो गया, सेम आयन हो गया। तो इस आयन को मिलाने पर NH4OH की जो आयनन की मात्रा है, आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। इसे ही हम समायन इफेक्ट कहते हैं या फिर कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों हम देख लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड को ये CH3COONa, क्योंकि दोस्तों CH3CO- और यहाँ पर भी CH3CO- दोनों सेम आयन हो गए, कॉमन आयन हो गए। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में इसे हम मिला दें CH3COONa को, तो CH3COH की जो आयनन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, एग्जांपल आप याद रखिएगा, कोई सा भी इनमें से एग्जांपल आ जाए जिनमें सेम आपको आयन मिल जाए तो आप उसे लिख दीजिएगा कि ये कॉमन आयन इफेक्ट का काम करेगा। इसका उपयोग होता है दोस्तों गुणात्मक विश्लेषण में, क्वालिटेटिव हाइड्रेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये सॉल्यूशन, जब हम लैब में इन पे काम करते हैं तो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और बहुत इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये होते क्या है बफर सॉल्यूशन, वे विलयन जो अम्ल या बेस की क्षार की मात्रा मिलाने पर पीएच में या एच प्लस आयन सांद्रता में परिवर्तन का विरोध करते हैं। इंपॉर्टेंट इज विरोध करते हैं, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, ये एक बफर सॉल्यूशन है, अब हम इसमें कोई एसिड मिला दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन कोशिश करेगा कि इसकी जो भी पीएच मेंटेन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी पीएच मान लो आप 6.5 है, तो ये बफर सॉल्यूशन कोशिश करेगा कि इसकी जो पीएच है वो 6.5 ही रहे, एसिड मिलाने के बावजूद भी पीएच चेंज ना हो। फिर हम इसमें कोई बेस मिला दें, जैसे कि हम इसमें NaOH मिला रहे हैं, तो भी ये बफर सॉल्यूशन चाहेगा कि इसके पीएच 6.5 ही मेंटेन रहे, चेंज ना हो। इसे ही हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, ये किसी भी प्रकार की जो परिवर्तन है H+ आयन की सांद्रता में उसे इस परिवर्तन का विरोध करते हैं, इन्हें हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर सॉल्यूशन, क्षारीय बफर सॉल्यूशन और सामान्य बफर सॉल्यूशन। देख लेते हैं हम ये क्या-क्या होते हैं। वे विलयन जिन्हें दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, दैट मींस कि वीक एसिड या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनसे मिलकर के जिन्हें बनाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल हम देख सकते हैं, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इसी में आते हैं दोस्तों, किस में आते हैं, अम्लीय बफर विलयन में। अगर बेसिक अपन बफर सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो वे विलयन जिन्हें दुर्बल क्षार, दैट मींस कि वीक बेसिस तथा दुर्बल क्षार वे प्रबल अम्ल से बने लवण को मिला करके, दुर्बल क्षार वे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड इनसे मिलकर के, इनसे मिले जो लवण होते हैं उनसे मिलकर के बनाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्षारीय बफर विलयन। इसके एग्जांपल में दोस्तों हम ले सकते हैं NH4OH और NH4Cl, इसे हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अगर नॉर्मल बफर सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो ये वीक एसिड और वीक बेसिस, दैट मींस कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवणों के जलीय विलयन में आते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेसिस, इनके जो लवण होते हैं उनके जलीय विलयन को हम बोलते हैं सामान्य। यहाँ पे एसिड वीक था, यहाँ पे बेस वीक था, और यहाँ पे दोनों ही वीक रहते हैं, दैट मींस कि हम बोल सकते हैं अम्लीय में स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज किया था, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया था, यहाँ पे हमने दोनों वीक एसिड और वीक बेसिस के लवणों को हमने जो बनाया है लवण सॉल्यूशन उसे हम बफर विलयन बोल रहे हैं, सामान्य बफर विलयन। इसका एग्जांपल दोस्तों हम बोल सकते हैं अमोनियम साइनाइड इसी में आता है, अमोनियम एसिटेट इसी में आता है, ये सभी सामान्य बफर विलयन में आते हैं। बफर क्रिया क्या होती है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। वह क्रिया जिसके कारण बफर विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन का विरोध होता है उसी को बफर क्रिया कहते हैं, जो हमने यहाँ पे देखी थी, हमने अम्ल मिलाया या फिर हमने क्षार मिलाया और पीएच जो चेंज होना था वो नहीं हुआ, उसका विरोध हुआ, उसी को हमने बोला बफर क्रिया या फिर बफर क्रॉस। अब हम देखते हैं दोस्तों बफर की पीएच या फिर परास के बारे में, बफर विलयन की न्यूनतम व अधिकतम पीएच का अंतर, बफर कोई सॉल्यूशन है उसके
किस रेंज में पीएच होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स से और वाई तक किसी बफर की पीएच होगी, तो इसे हम बोलते हैं परास। हम बोलते हैं कि हाईएस्ट फॉर एग्जाम्पल 9 और लोएस्ट हम बोल रहे 6। एग्जाम्पल है दोस्तों, तो इसकी जो परास हो जाएगी इस पीएच इसकी बफर की वो हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतर होता है उसे हम इसकी परास बोलते हैं। अम्लीय बफर सॉल्यूशन दोस्तों pKa प्लस माइनस 1 होती है, जबकि क्षारीय बफर सॉल्यूशन की दोस्तों होती है 14 माइनस pKb प्लस माइनस 1। यहाँ पर pKa से एसिड के लिए शो किया और pKb से बेस के लिए शो किया। दोस्तों इसको इसी प्रकार से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि 14 माइनस में रखना है हमको बेस के लिए और एसिड के लिए हमें डायरेक्ट रखना है, दैट्स ऑल। बफर क्षमता क्या होती है दोस्तों? अम्ल या फिर क्षार की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन पीएच में परिवर्तन। सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, अम्ल या क्षार की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन पीएच में परिवर्तन, इसे हम बोलते हैं बफर क्षमता। आगे दोस्तों हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। इसके लिए हमने एक एसिड बेस लेते हैं, एक हम एसिड लेते हैं, अगर हम दोनों की रिएक्शन करवा दे तो हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। इट मीन्स की हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। दोस्तों प्रबल अम्लों के लिए इसी को हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों? एसिड और बेस मिलकर जो लवण और वाटर बना रहे थे इसी को हम बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। प्रबल अम्लों के लिए 0.1 मिलियन का पीएच जो होता है वो होता है 1 होता है, क्योंकि प्रबल क्षारों के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए 0.1 मोलरिटी का जो विलयन होता है उसका पीएच होता है दोस्तों 13 होता है। हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी मोलरिटी 0.1 है तो उसका पीएच कितना होगा? हम बोलेंगे 1 बोलेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए दोस्तों हम बोलेंगे 13 बोलेंगे, 14 नहीं 13 हमें याद रखना है। दोस्तों ये हमने पूरा अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में थे, जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो कर लिए। दोस्तों हमारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।